नमस्कार, आपण समस्तंको मो चैनल को स्वागत करुछि। आज आमे प्रस्तुत करबा पालेजी बिस्कुट रे वनीला आइसक्रीम। आइसक्रीम करिया पे 1 लीटर क्षीर गरम करिया। आइसक्रीम करिया पे मु पालेजी बिस्कुट नै छि 8 टी बिस्कुट नै ग्राइंडिंग कर दबा। क्षीर थोड़े फुटी गले गैस को सीम रे रखी 10-15 मिनट पर सीझा को दबा। क्षीर को बेस सीझेबेनि, मझे मझे चलाउथिबे। गोटे कप थंडा क्षीर दे बिस्कुट को ग्राइंडिंग कर देबे। एथेरे बिस्कुट मिक्स को दे धीरे धीरे चलेबा। एमिति 5-6 मिनट चलेबे। ठंडा हो गलानी। एबे हम एथेरे अमूल फ्रेश क्रीम मिसेबा 50 ग्राम रो। क्रीमी हेबा पई अमूल फ्रेश क्रीम नै छि, आपण चाहिले आपको स्किप करते हैं। भल भाव मिक्स करदे। एबे टिफिन बॉक्स को काढ़ी दबा। यह ऊपर पॉलिथिन कवर करी लॉक करदे। यहाँ फ्रिज रे 4-5 घंटा पे रखी दबा। 4-5 घंटा पर मु फ्रिज रो काढ़ी के रखी छी। चलो तो बॉक्स को ओपन करिबा। यह किसी समय मेल्ट होगा छाड़ दबा। यह पूरा मेल्ट होगा छाड़ दबे। पूरा मेल्ट होगा पर ही ग्राइंडिंग करिबे। एमती थिला वाले ग्राइंडिंग करिबे नी, ग्राइंडर खराब हो जिवो। मेल्ट हो गलानी। भल टेस्ट पई 1 पिंच लुण दे आउ थरे ग्राइंडिंग कर दबा। ग्राइंडिंग करिबा द्वारा क्रीमी हो जाए छि। अल्प टुटी फुटी दे मिक्स कर दबा। एबे टिफिन बॉक्स को ढाल दबा। ऊपर अल्प टुटी फुटी दबा। एबे पॉलिथिन दे बॉक्स को लॉक कर दबा। यहाँ डीप फ्रिज रे 4-5 घंटा पे रखी दबा। 5 घंटा हो गलानी। एबे हमें बॉक्स को ओपन करिबा। पंद्रह मिनट पर आइसक्रीम को सर्व करिबा। 15 मिनट हो गलानी। एबे सर्व करिबा।
ଡେକୋରେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ସିରପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ମୁଁ କରିଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।